नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे खोया मटर की सब्जी। मटर का सीजन है तो बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है। रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे और बहुत कम समय में बन जाएगी। इसे आप नान के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। तो आइए इसे बनाते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये 250 ग्राम खोया लिया है। ये 5 टमाटर मैंने बहुत बारीक काट लिए हैं और 5 ही प्याज काटे हैं, बहुत ही बारीक काटे हैं। 250 ग्राम ये फ्रोज़न मटर लिए हैं। लहसुन अदरक को मैंने कूट लिया है इस तरह से। और खड़े मसालों में तेज़पत्ता, बड़ी इलायची और काली मिर्च ली है। ये थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ली। और मसालों में देखिए, मैंने ये लाल मिर्च पाउडर लिया 1 चम्मच, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा और थोड़ी सी हल्दी ली है। तो आइए इसे बनाते हैं हम। मैंने एक कढ़ाई में देखिए तेल गरम करके उसमें खड़े मसाले डाल दिए हैं और जीरा भी डाल दिया। इनको थोड़ा सा भूनते ही इसमें हम लहसुन अदरक डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। इनको हम अच्छे से भून लेंगे कि थोड़ा सा पक जाए ये। और यहीं पर हम प्याज डाल देंगे और प्याज को हमें बहुत अच्छे से भूनना है। और एक तो ये ध्यान रखना है कि प्याज हमें बहुत ही बारीक काटना है। अगर हम प्याज पीसते हैं तो कुक होने बहुत टाइम ले लेता है। ये देखिए कितने अच्छे से कुक हो गया, बहुत बारीक है तो मोटा प्याज दिख भी नहीं रहा है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, हल्दी, धनिया, मिर्च, हम तीनों मसाले यहाँ डाल देंगे। इनको सिर्फ 2-3 मिनट कुक करके हम टमाटर डाल देंगे यहाँ पर। अब टमाटर का ये है कि आप यहाँ चाहें तो टमाटर पीस कर भी डाल सकते हैं, पर पिसा हुआ टमाटर बहुत टाइम लेता है कुक होने में, तेल भी ज़्यादा डलता है उसमें, तो मैंने काट कर डाला है। और ये सलाद वाले टमाटर लिए हैं मैंने। ये 5 मिनट इसे ढककर पकाएंगे। देखिए कुक हो गए हैं और इस तरह की 1 चम्मच की मदद से हम इसे दबा देंगे तो ये बिल्कुल लगभग पेस्ट टाइप से हो जाएगा, दर दरा सा। यहाँ हम थोड़ा सा किचन किंग डाल रहे हैं, आप चाहे तो डाल सकते हैं, पर इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा। अब हम खोया डाल देंगे, मटर डाल देंगे। मटर अगर आपके फ्रोज़न नहीं है तो आप उसको पहले ही मसाले में कुक कर लें। ये फ्रोज़न है तो ये लगभग कुक होते हैं। तो अब थोड़ा मेरा खोया टाइट हो रहा है, फ्रिज में रखा हुआ था, पकने में टाइम लगेगा मेल्ट होने में। अब हम थोड़ा पानी डालकर खोया और मटर सब अच्छे से मिल जाए, पानी को हमें वैसे सुखा लेना है। इसमें नमक डालेंगे और थोड़ी कसूरी मेथी डालकर और गरम मसाला थोड़ा सा, इसे ढक करके सिर्फ 5 मिनट पकाएंगे और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। चलिए इसे सर्व करते हैं। इतनी टेस्टी हमारी ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप इसे रोटी के साथ खाइए या नान, जो चाहें खाइए, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।